अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज हम ट्रीज़ के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री होता क्या है। ट्री बेसिकली एक कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई सर्कल जो है नहीं होगा। यानी दो कंडीशन है ट्री के लिए, एक तो वो कनेक्टेड ग्राफ हो और दूसरा उसके अंदर कोई भी सर्कल या लूप ना मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास दो ट्रीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपस में नोड जो है वो कनेक्टेड हैं और इनमें कोई भी लूप या सर्कल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से ये हमारे पास सेकेंड ट्री है, ये भी इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन ट्रीज की। फॉर एग्जांपल, ये जो ग्राफ है इसके अंदर एक सर्कट है यानी कि लूप है, तो ये हम कह सकते हैं ये ट्री की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। इस तरह से एक दूसरा ग्राफ है जो कि डिसकनेक्टेड है, यानी इसके कुछ ऐसे दो वर्सेज हैं जो कि आपस में इनके दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो दो हमारे पास वर्सेज हैं इनके दरमियान पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा ग्राफ इसके एटलीस्ट टू वर्सेस के दरमियान है कोई पाथ एग्जिस्ट ना करे, उसे हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और हमारे पास तीसरा जो ग्राफ है उसमें भी एक लूप है, तो ये भी सर्कट है इसके अंदर, तो ये भी ट्री की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज देखते हैं। ट्रीवियल ट्री कौन सा होता है? ए ग्राफ डेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्टेक्स। तो उसे ऐसे ग्राफ को जो कि एक सिंगल वर्टेक्स के ऊपर मुश्तमिल हो, उसे हम ट्रीवियल ट्री कहते हैं या इसको डी जनरेट ट्री भी कहते हैं। एम्प्टी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसमें कोई भी वर्टेक्स या एज ना हो। और फॉरेस्ट एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर सर्कल फ्री भी हो और वो नॉन कनेक्टेड हो। यानी ट्री के अंदर हमने देखा कि कनेक्टेड ग्राफ हो और वो सर्कल फ्री हो तो हम उसको ट्री कहेंगे, लेकिन फॉरेस्ट के लिए ये कंडीशन है कि वो नॉन कनेक्टेड हो सकता है ग्राफ लेकिन उसके अंदर भी सर्कट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ग्राफ को हम फॉरेस्ट कहते हैं। और उस फॉरेस्ट के जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ट्रीज कहलाएंगे, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो ट्री की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उस फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट हैं वो ट्री हैं। ये नेक्स्ट हम फॉरेस्ट की एग्जांपल देखते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास ग्राफ हैं इनके अंदर सर्कट एग्जिस्ट नहीं करता और ये नॉट कनेक्टेड है। नॉट कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो इनके दो वर्टिसेस हैं उनके दरमियान पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई वर्टेक्स होता तो फिर हमारे पास ये एक पाथ बन जाना था, लेकिन अब क्योंकि ये सिंगल एक एज है, लाइन है, तो इसके दरमियान कोई और वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि इन दो वर्टिसेस के दरमियान कोई पाथ नहीं है, तो इसलिए ये फॉरेस्ट होंगे। जी नेक्स्ट हम रूटेड ट्री के वाले से डिस्कशन करते हैं कि रूटेड ट्री कौन सा ट्री होता है, कैसा ट्री। इसमें एक सिंगल वर्टेक्स ऐसा हो जो कि बाकी तमाम वर्टिसेस से डिफरेंट हो, उस सिंगल वर्टेक्स को हम उस ट्री का रूट कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा रूट है। इस तरह लेवल जो है किसी वर्टेक्स का रूटेड ट्री के अंदर पाथ होता है बिटवीन द रूट एंड द नंबर ऑफ एजिस बिटवीन दैट वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस वर्टेक्स का लेवल वन है क्योंकि इसके दरमियान और रूट के दरमियान एक एज है वो एग्जिस्ट करता है। इस तरह जो इसके नीचे वर्टेक्स है इसका लेवल टू है। वो लेवल टू क्यों है? क्योंकि इस वर्टेक्स और रूट वर्टेक्स के दरमियान दो एजिस एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह हाइट जो एक रूटेड ट्री की होती है वो मैक्सिमम लेवल होते हैं कि आप कितने एजेस ट्रवर्स करके किसी उसके चाइल्ड या टर्मिनल वर्टेक्स तक कितने एजेस ट्रवर्स करके आप पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, इस हमारे रूटेड ट्री के अंदर इसकी हाइट 4 है। ये हाइट 4 कैसे है? क्योंकि हम लेवल 0 रूट स्टार्ट किया, उसके बाद एक एज, 2, 3 और फिर ये 4 एज ट्रवर्स करने के बाद हम इसके फाइनल जो टर्मिनल नोड है वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितने हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ट्रिवर्स करके लीफ नोड या टर्मिनल नोड तक पहुँचना है तो वो उस रूटेड ट्री की हाइट कहलाएगी।
इस तरह चिल्ड्रन और पेरेंट का सिनेरियो ये है कि जो जो चाइल्ड हैं, जो नोड्स हैं, किसी नोड के उसके एक लेवल नीचे गिवन होंगे वो उसके चाइल्ड कहलाएंगे, और जो वन लेवल टॉप पे नोड होगा उनका पेरेंट कहलाएगा। अगर हम इस रूट ट्री की बात करें तो यहाँ पर ह्यूज है ये पेरेंट होगा वी और डब्ल्यू का, और वी और डब्ल्यू जो हैं ये यू के चाइल्ड कहलाएंगे क्योंकि ये इसके इसके साथ कनेक्टेड है और इससे एक लेवल नीचे हैं। इस तरह से वी और डब्ल्यू आपस में सिबलिंग कहलाएंगे, ये दोनों सिबलिंग हैं क्योंकि इनका पेरेंट जो है वो यू है। इसी तरह से अनसेस्टर और डिसेंडेंट्स का कंसेप्ट है कि जो वर्टिसेस किसी रूट के वन लेवल डाउन पे पाए जाएंगे उसको हम के डिसेंडेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने ये रीजन ड्रा किया है जो कि इन सेट ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे वर्टिसेस जो हैं यू के डिसेंडेंट हैं क्योंकि ये इसके वन लेवल डाउन पे एग्जिस्ट करते हैं, और यू जो है इन सब का अनसेस्टर है क्योंकि यू इन सब वर्टिसेस से एक लेवल टॉप पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से रूट ट्री के अंदर जो भी हमारे एंड पे नोड एग्जिस्ट करेंगे उनको हम टर्मिनल नोड कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबसे लास्ट पे हैं, इनको टर्मिनल या लीफ नोड हम कहेंगे, और इस तरह से बाकी जो इनके इनर साइड के ऊपर नोड एग्जिस्ट करते हैं इनको हम इंटरनल नोड कहते हैं, और जो लीफ नोड है या टर्मिनल नोड और जो इसके वन लेवल टॉप पे नोड होंगे जिनके साथ लीफ नोड कनेक्टेड है उनको हम इंटरनल नोड कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री कौन सा ट्री होता है, तो बाइनरी ट्री एक ऐसा रूटेड ट्री होता है जिसके हर एक इंटरनल जो वर्टेक्स है उसके एटमोस्ट हमारे पास दो चिल्ड्रन जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये चिल्ड्रन जो है उसके लेफ्ट या राइट चाइल्ड कहलाते हैं। इस तरह से फुल बाइनरी ट्री हम एक ऐसे ट्री को कहते हैं जिसमें हर इंटरनल वर्टेक्स जो है उसके एग्जैक्टली टू चाइल्ड हों, यानी ये ना हो कि किसी एक इंटरनल का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो, तो उसको हम फुल बाइनरी ट्री फिर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ बाइनरी ट्री होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हमारे पास रूटेड ट्री है जिसके हर इंटरनल वर्टेक्स के हमारे पास दो चाइल्ड लाजमी एग्जिस्ट करते हैं तो उसे उस बाइनरी ट्री को हम फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है बाइनरी ट्री की जिसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एक रूट नोड है और उसके दो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये का राइट चाइल्ड है। इस तरह से यू का लेफ्ट चाइल्ड है वो वी है, और डब्ल्यू का लेफ्ट चाइल्ड है ये हमारा जो हमने रीजन ड्रा किया है ये डब्ल्यू का लेफ्ट सब ट्री है या लेफ्ट चाइल्ड है, और ये जो रीजन हमने ड्रा किया ये डब्ल्यू का राइट सब ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर होंगे अबाउट ट्रीज एंड बाइनरी ट्री, कि ड्रा ए बाइनरी ट्री विद हाइट 3 एंड हैविंग 7 टर्मिनल वर्टिसेस, यानी उसके 7 टर्मिनल या लीफ नोड हों। तो अगर हमारे पास हाइट एच जो है 3 हो तो हमारे पास बाइनरी ट्री का फार्मूला है कि 2 की पावर आप एच करेंगे तो आपके पास उसके नंबर ऑफ टर्मिनल वर्ड्स हैं वो काउंट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 टर्मिनल वर्ड्स मैक्सिमम इसके हो सकते हैं, लेकिन हमें 7 टर्मिनल वर्ड्स का बाइनरी ट्री जो है वो बनाना है। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और उसके फिर दो चाइल्ड, फिर हर उन दो चाइल्ड के हमने फर्दर 2 सब ट्री बनाने हैं, बी के 2 सब ट्री बनाए, उन्हें डी ई एफ जी का हमने नाम दे दिया। अब मज़ीद हमने डी के 2 सब ट्री बनाए, उन्हें हमने जी के बाद एच और आई का नाम दिया, फिर ई के जे के टर्मिनल नोड बन गए, फिर एफ के अब हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ एक इसका सब ट्री बनाया, क्यों अगर हम यहाँ पर भी दूसरा बना देते हैं तो हम हमारे जो 8 टर्मिनल वर्टिसेस की जो है वो बन जाएंगे और हमारी 7 वर्टिसेस की कंडीशन जो है वो मीट नहीं करेगी। हम एन को रिमूव करके यहाँ पर एल और एम भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम एफ़ की जगह पे एफ का एक सब ट्री एल और दूसरा एम बना दें, और यहाँ पर फिर हम एन बना के तो आगे उसका एक एम ट्री जो है वो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक बाइनरी ट्री बन गया जिसकी हाइट 3 है कि 0, 1, 2 और 3, यानी लेवल 3 तक हमने इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर करना है और इसके 7 वर्ड्स जो हैं वो काउंट हो रहे हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पर्पज़ है बाइनरी ट्री का, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर बाइनरी ट्री है फॉर ए डिवाइड बाई बी, तो जब हम इसको बाइनरी ट्री के अंदर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हमने ऑपरेटर्स को रूट बनाना है और जो उसके ऑपरेंड है उसको चाइल्ड बना देना है। अब ए डिवाइड बाई बी है तो हमने डिवीजन को रूट बना दिया, ए को उसका लेफ्ट और बी को उसका राइट सब ट्री बना दिया। अब इसका जब हम रीड करेंगे तो ए डिवीजन बाय बी रीड करेंगे। इस तरह से एक एक्सप्रेशन है हमारे पास ए डिवाइड बाय विद इन पैरेंथेसिस सी प्लस डी। तो अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन सब एक्सप्रेशन जो है सी प्लस डी जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर है और दूसरी हमारे पास विदाउट पैरेंथेसिस है जो कि ए है और सेंटर में हमारे पास मेन जो ऑपरेटर है वो डिवाइड है। तो हमने डिवाइड को यहाँ पे रूट बनाया, उसका सब ट्री ए बनाया, फिर हमने जो पैरेंथेसिस वाली एक्सप्रेशन है उसका ऑपरेटर प्लस को डिवाइड का जो है चाइल्ड बना के सी और डी को उसका चाइल्ड बना दिया ऑपरेटर प्लस का, क्योंकि इसके ऊपर सी प्लस डी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर इस एक्सप्रेशन के ऊपर हमने डिवीजन परफॉर्म करना है किसके साथ, ए के साथ। तो ये ए डिवाइड बाय सी प्लस डी जो है विद इन पैरेंथेसिस काउंट होगा। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को बाइनरी ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन एरियाज़ की कि ट्रीज को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैनी एरियाज हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ इसके हम देखते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं और किन परस्पेक्टिव से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एल्गोरिदम के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम को फाइंड करना है उसके लिए आप ट्रीज़ को इस्तेमाल करके कोई भी एल्गोरिदम बना सकते हैं। नेटवर्किंग के अंदर हम ट्रीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा लीस्ट एक्सपेंसिव पाथ हम फॉलो करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपना डेटा ट्रांसमिट करना है और हम उसको सिक्योर वे के अंदर स्टोर और ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोड जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रीज। इसके अलावा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हम ट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बना के आगे सीक्वेंस के अंदर एक सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेक्स्ट लेवल के अंदर दूसरे का बेस के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है और अल्टीमेटली हमारे जो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है वो ट्रीज को इस्तेमाल करने से रिजॉल्व आउट हो सकती है। तो अगर आपका ट्रीज बाइनरी ट्री या रूटेड ट्री के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।